सुदामा जी पत्रा देखते थे, लेकिन उनका वसूल ये था कि किसी से कुछ दक्षिणा नहीं मांगते थे। और जब मांगते नहीं थे तो एक समय ऐसा आ गया कि घर का काम चलना बड़ा मुश्किल हो गया। मिश्रानी सुशीला कहने लगी, आप ये कहा करते थे कि कृष्ण जी मेरे बचपन के मित्र है, ये बात सच्ची है या झूठ है? क्योंकि बिल्कुल सच्ची है कि अगर सच्ची है तो उनके पास में जाओ और उनसे कुछ धन पैसा मांग करके लाओ कि आज तक 60-70 साल की मेरी उम्र होगी, आज तक मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और अब तू कहती है मैं अपने मित्र के सामने हाथ फैलाऊं, न मेरे से नहीं होने का। सुशीला बोली के देखो एक बात है, एक बात तो ये कि अपने प्यारे मित्र से अगर ऐडी भीड़ में कोई मदद मांग ली जा तो उसे अपमान नहीं होता, और दूसरी बात ये मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे दान मांग करके लाओ, आप उधार मांग करके ले आओ, जब हमारे से बनेंगे जब दे देंगे। ना चाहते हुए भी सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए। पता था कि वहां तेरे साथ में क्या होगा, फटे पुराने वस्त्र, पैरों में जूती नहीं। और जब डोडी पर गए, डोडी वान ने कई बार कहा, अरे क्या बात है तू यहां क्यों खड़ा है इतनी देर से? नुके द्वारकाधीश से मिलूंगा, मेरा बचपन का मित्र है, के पीछे हट, भिखारियों के कहीं मित्र राजा होते होंगे और वो भी भगवान। नुके नहीं भाई मेरे मित्र हैं। तो धक्का मुक्की में सुदामा जी गिर पड़ते हैं गलियारे में, कपड़े झाड़ के खड़े हो गए, नहीं जान दो के ना कि मेरा संदेश भिजवा दो कि सुदामा नाम का एक भिखारी बाहर खड़ा है। चलो ब्राह्मण मत कहो, वैसे तो मेरा तिलक तुम देख रहे हो, मेरा बाना ब्राह्मण का है, जनेऊ देख लो मेरी, लेकिन तुम भिखारी ही कह दो। जाकर के एक द्वारपाल ने कह दिया कि जी सुदामा नाम का ब्राह्मण बाहर खड़ा है। भगवान गद्दी छोड़ करके एकदम खड़े हो गए। रुक्मन पंखा झल ली थी, रुक्मन ने सोचा ये क्या बात हो गई, सभी दरबारी भी खड़े हो गए और एकदम पैड़ियों से नीचे उतर के चल दिए। द्वारपाल से बोले कौन से के द्वार पर है? उनके जो उस द्वार मुख द्वार पर जाते हैं और जाकर के सुदामा जी की कोड़ी भर ली, पीछे पीछे दरबारी और पीछे पीछे सारी पब्लिक और रुक्मन भी साथ साथ। रुक्मन ने हाथ पकड़ा और 3-4 कदम दूर लेकर के गई। नुके जी और बात तो सारी ठीक, पर नुके भिखारी इसके तो कपड़ों में से बदबू आ रही और तुम इसके लिपट रहे हो, थोड़ा सा अलग हट के बात करो, तुम्हें कुछ देना तो दे दियो। तो सुदामा जी ने सोचा भाई रुक्मन तेरे से नाराज है, 3-4 हाथ पकड़ के 3-4 कदम लेकर के आए सुदामा जी। कान में बोले नुके भाई कृष्ण जी तू मेरा मित्र है, पर नुके अगर तेरी नुके रानी मेरे यहां आने से खुश नहीं है तो मैं अभी बाहर का बाहर चला जाऊंगा। कृष्ण जी कहने लगे आप ऐसी बात मत करो, आप मेरे अतिथि नहीं, आप मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो। उनके पैर धोए 15 दिन रुके, अब मैं आपको ऐसी रागनी के मौके पर ले जाने के लिए तैयार हूं कि शायद उस मौके की रागनी अब तक आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि मेरे से कई भाइयों ने ये कहा भाई पुरानी रागनी सुना देते हो आप। और सुदामा जी ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने के लिए आया हूं, इतने स्वाभिमानी सुदामा थे, लेकिन भगवान को तो सब पता था, उन्होंने तो वहां महल बना दिए और वहां मोहर असर भी उनकी कोठी ठोक दी, सारा काम पेटेंट कर दिया उन्होंने। और सुदामा जी ने सोचा कि भाई लेना देना तो कुछ है नहीं, 15 दिन हो गए, चल दिए वहां से। तो चलते चलते कहते हैं कि यार यार तो सब कह दे पर यार कहूं किस ढाल तने, ये बात है, दमड़ी तलक दई कोना बस दे दिए लते चार तने।
यानी कि कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छे सुंदर रेशमी वस्त्र पहरा दिए और कुछ मिश्राणी के लिए भी उपहार दिए, साड़ी चुंदड़ी मिश्राणी के लिए भी दिए। अब सुदामा जी अपने कपड़ों को देखते हुए जा रहे हैं, यार कपड़े तो तेरे सुंदर हैं लेकिन मिश्राणी ये कहेगी कि क्या लाया, क्या कहूँगा। बहुत ही मन में बड़ा दीनहीन और बड़ा दुखी हो रहा था। इतने में रास्ते में चार चोर मिल गए, नुकरे तो कोई अमीर आदमी जा रहा है, नुकरे तो पकड़ो भी। पकड़ लाए, पकड़ के कहने लगे यहाँ धर दे जो कुछ ले रहा माल। नुकरे भाई मेरे धोरे कुछ नहीं। अच्छा इतने बढ़िया कपड़े और तेरे धोरे कुछ नहीं। एक ना कहा जो सरदार था, नुकरे जो लटकू ना पेल देता है, अपने आप काट के धरेगा। जैसे ही सुदामा जी के कमर में दो लठ लगे, नुकरे भाई मेरे धोरे कुछ नहीं, ये मिश्राणी के ये उपहार हैं, कृष्ण जी ने दिए हैं, ये मेरे कपड़े। तलाशी ली, तलाशी लेके और कहा के भाई ये कपड़े ही दे दे। कपड़े दे दिए, एक फटी सी धोती जैसी वो घर से पहर के चले थे वैसी ही धोती उनको पकड़ा दी, ले धोती। और अब अपनी नगरी में सुदामा नगरी में जाते हैं और वहां महल देखते हैं खड़ा हुआ और कई चक्कर काट लिए। अकबर था तो मेरा महल यहाँ, लेकिन नहीं मेरी कुटी यहाँ थी, लेकिन ये तो यहाँ तो कुछ महल खड़ा है, ये मामला क्या है। कि मेरी कुटी जो थी बिल्कुल यहाँ थी। सुदामा जी ने सोचा भाई गांव से बाहर चल और फिर के दोबारा आऊंगा, कदी मैं कहीं और पहुंच गया हूँ। औरों से भी पूछी भाई ये वही गांव है सुदामा नगरी। नुका हाँ, नुके सुदामा इसी में रहता है। नुका हाँ, नुके हाँ है तो सही, पर फिर क्या आया उसी गलियारे में और ऊपर अटारी पे खड़ी हुई है कौन, सुशीला उसकी मिश्राणी। मिश्राणी ने वो पहचान लिया। सुदामा जी ने घूंघट कर रखा था पहचान में नहीं। अरे मैं नहीं बुझू, यहाँ मेरी कुटी थी, मेरी झोपड़ी तोड़ फोड़ के ना किसने कहा। ओ पंडित जी, हाँ हाँ नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ तू कौन है। अरे मानस, मेरी झोपड़ी थी यहाँ। अरे तेरा केक खो गया, मेरा सब कुछ खो गया। मैं कोई चीज खोगी के ये बावड़ा सा हो गया, देख देख तो बर्बाद ही हो गया देख। अच्छा यहाँ मेरी एक झोपड़ी थी। हम तेरे आवाज कर देंगे वो सामने। इतनी टूटी फूटी भी ना थी। अच्छा मैं तो अपनी झोपड़ी में बांस भी बढ़िया लगवा रखे थे। अरे झोपड़ी देख रहे हैं और फूस भी बढ़िया था। अरे अब मकान बन गए यहाँ, ये किसका मकान है? 20वीं सदी में जी रहा है, 21वीं में आ जा। ये किसका महल है ये बता दे तू मेरे। मस्करी कर लूं जल्दी बता। सुदामा ते थोड़ी देर के लिए जल्दी बता दे तू। हाँ पंडित जी। हाँ किसकी है ये महल, किसका, मेरी झोपड़ी किसने तोड़ी है। अरे किसी की भी होगी, तेरा के खो गया तू तो बता। मेरा महल खो गया, मेरी मिश्राणी खो गई, मेरे बालक खो गए। मिश्राणी महल खो गया, मिश्राणी खो गई। हाँ अच्छा तेरी मिश्राणी में ढूंढवावेंगे तो अब। हाँ तो तू बता तो सही मेरी झोपड़ी कहाँ गई। अच्छा झोपड़ी के मैं वो बन गए मकान, देख सब पे मकान धरे, झोपड़ी वोपड़ी छोड़ और सुन ले मेरी बात ने। झोपड़ी तोड़ फोड़ के महल किसने खड़ा किया। मेरी
सर्दी गर्मी नहीं लगे थी बस चौमासे में टपके था। सर्दी गर्मी नहीं लगे थी चौमासे में टपके था। मेरी मिश्राणी का रूप और दिखे एक बात और है कुर्सी, ये चंदा जो था ना मेरी झोपड़ी में गया झांक के करा। अच्छा, और यू जो है अहिल्ला के घर भी गया था तेरी मिश्राणी ने देखकर खातर, यही तो बात थी झोपड़ी में झांक के था तो जहां के भी चंदा झांकता था। इतनी सुंदर थी तेरी मिश्राणी। हाँ, अरे कौन सी, जहां को भी चंदा झांकता था। अच्छा, वहीं मैं फूसन्यू कर दिए करा, चंदा मेरी मिश्रानी है ना, देख ले कभी अहिल्ला की ढाल इंदर है साथ ले आवा कोई गड़बड़ कर दे। तेरी ये भी बात थी, सुने की बात है। बढ़िया फूस पास बढ़िया थे, बढ़िया फूस पास बढ़िया थे, चारों ओर ने लटके था। बढ़िया पास फूस बढ़िया थे, चारों ओर ने लटके था। सर्दी गर्मी नहीं लगे थी चौमासे में टपके था। सर्दी गर्मी नहीं लगे थी चौमासे में टपके था। मिश्राणी का रूप कुटी में, मिश्राणी का रूप कुटी में सुथरी थी मेरी मिश्रानी। अच्छा, किसी और, और वह कहां भगाई तब ने किसी ये बताओ। और का इंतजाम कर दूं तो है? मेरी बात सुन। हा? हा? मेरी मिश्रानी बालक बच्चे कहां को तुमने भगा दिया। मेरी मिश्रानी बालक बच्चे कहां को तुमने भगा दिया। मेरी झोपड़ी तोड़ फोड़ के महलियों किसने खड़ा किया। मेरी झोपड़ी सेठ साहूकार ही रह सकते हैं। अच्छा, मगर सेठानी मैं न्यू कहूँ मेरी मिश्रानी तुमने अगर भगाई हो तो बता दो कहाँ भगाई, मैं बालकों और उन्हें ढूंढ के लाऊं। एक बात बता। हाँ। तने घने दिन हो गए थे के कहीं गए हुए, कहाँ गया था तू जो तेरी मिश्रानी खो दी। देखिए सुनिए। हाँ। तने जगह जगह लिख रखा, लिखा हुआ देखा होगा। हाँ। कि अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। ठीक बात। तो फिर क्यों खुवा दी अपनी मिश्रानी, अपने सामान की अपने आप देखभाल करता। या भी गलती मिश्रानी की है। और जब इतनी दिन तने गए हुए ने हो गए तो वो तो सामान तो खोदता ही। या भी मिश्रानी की गलती है, उसी ने ताया था मैं वहां के द्वार का, मैं चला जा तेरा यार मिलेगा, बता दूंगा वहां भी बात। तू अपनी बात के रानी का
मुझे भरोसा है अपनी मिश्रानी पे, तुमने भगाया हो तो बात दूसरी है। ऐसा ही चल रहा है, घने दिनों के लिए कोई चीज छोड़ दो तो चीज के भी पैर लग जाओ। ना 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 ना। अच्छा मैं थाने पे पुलिस केस करूंगा। अच्छा हाँ बिल्कुल, यही थी मेरी झोंपड़ी। हाँ बिल्कुल बोल। बल्ला मेरी झोपड़ी, अरे अरे मुझे तो कुछ ऐसी झांकली सी पड़ी, ऐसी थी। तू कह रही थी ना काली गोरी मोटी पतली कैसी है, मैं देख डरता डरता कह रहा हूँ, गांव के लोगों सुन लो के? थी या नहीं बनी तेरे तो हेमा मान ली थी मैं, वो तो गोरी थी और मैं तो काली हूँ। मैं के पता अब नहा धो कर क्रीम पाउडर लगा के ऐसी पाउडर देखे इसकी बात ना पंडित जी ना लुगाई ना छेड़े मारे काम की ना बल मेरी झोपड़ी तोड़ फोड़ के महलियों किसने खड़ा किया, मेरी झोपड़ी तोड़ फोड़ के महलियों किसने खड़ा किया। पालक पनीर खावे वहाँ तो शाही पनीर उड़ा गया मांगने किरसन धोरा गया मांगने थरा हाथ पे एक टका किरसन चोर कहते थे, मक्खन चोरी किया करता था। मैं ये सोच रहा था कि अब बड़ा हो गया होगा, अब तो बदल गया होगा, लेकिन ना उसकी आदत नहीं बदली। किसकी बात कर रहे हैं? जिसके धोरे मैं गया था, किरसन के धोरे। अच्छा मेरी बात सुन ले ध्यान से। हाँ सुन रही हूँ। किरसन धोरे गया मांगने न धरा हाथ पे एक टका, किरसन धोरे गया मांगने न धरा हाथ पे एक टका। वो तो चोर का चोर ही पाया बातों में मैं दिया भला, वो तो चोर चोर ही पाया बातों में मैं दिया भला। चमकने लते चाल दे दिए, चमकने लते चाल दे दिए, चोरों पे मैं दिया पिटवा, चमकने लते चाल दे दिए, चोरों पे मैं दिया पिटवा। उस छलिया के कारण आज मैं
सेठानी किरसन के बारे में तू ऐसी पानी बोल रहा है? हाँ उसके बारे में तो माड़ी बात कहूंगा मैं। क्यों? मैं पिटवा और दिया उसने और कुछ दिया लिया नहीं। अरे ऐसी बात ना कही करती उसके बारे में ना। अच्छा क्यों? हाँ। अरे वो तो तिरलोक की नाथ है। मैं भी यही समझता था सेठानी तिरलोक की नाथ है। हाँ, तेरे गलत फहमी हो रही है। ना ना उसने तो कुछ भी बात नहीं समझी। अच्छा मेरे कपड़े फटे हुए जगह जगह थेकड़ी लग रही। हाँ। और उसे ये भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों आया तेरे धोरे। उसके तो भला वो तिरलोक की नाथ कहाँ हो गया? उसके भाव समझ। अच्छा और मेरी बात ना सुन ले के बात बता। बोलिए कड़वी बाणी तू ओ किरसन जी के बारे में मत बोलिए कड़वी बाणी तू। ओ तिरलोकी के नाथ हने दिन ध्यान धरे मन ज्ञानी जी। ओ तिरलोकी के नाथ धरे ध्यान धरे मन ज्ञानी जी। तू आंख खोल के देख ले पंडित के देखूं के देखूं आंख खोल के। अरे तू आंख खोल के देख ले पंडित। तू तो मेरी मित्रानी ना पक्कम पक्का ही। ओ जो अरे चढ़ाई हो मुझे। अरे चढ़ाई है मैं चढ़ाई है। जोरदार ताली। इतने दिनों तक कहाँ गया था? लाओ गुरुजी मैं चढ़वाऊंगा आज। इतने दिनों तक कहाँ गया था? मैं उधर कोई आऊंगा भैया कभी गिर गिरा पर बुढ़ा दी। ए दिल तू उसे भूल जा। महिमा गाऊंगा। और कृष्ण जी ने वहीं से तेरे लट्टे चाल भेज दिए थे। अच्छा हाँ मैंने सेफ में दुबका के धर लिए थे। परम्पार है प्रभु की माया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाकी भी हरी लाल की जय। भाई ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगा रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके जितने लोग दिख रहे जितने भगत दिख रहे जितनी मेरी माताएं बहनें हैं बैठी है जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए बाकी भी हरी लाल। बोलिए बाबा भैया की क्या बात है? तू आंख खोल के देख ले पंडित मैं तेरी मिश्रानी जी। आंख खोल के देख ले पंडित मैं तेरी मिश्रानी। लम्बा चौड़ा महल तेरा तू क्यों ना चढ़ के आवे पिया। लम्बा चौड़ा महल तेरा तू क्यों ना चढ़ के आवे पिया। और मेरी झोपड़ी तोड़ फोड़ के कैसे करें? के कहेगा के अपरंपार प्रभु की माया।